एपिसोड 618 कंकाल। ध्रुव जैसे ही उस दरवाजे के पार गया, उसने देखा वहाँ चारों तरफ बस धुंध ही धुंध थी। जहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए, क्योंकि जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो पाया वो जगह बहुत बड़ी थी। बाहर से दिखने में वो एक मामूली कमरा लग रहा था, लेकिन ऐसा था नहीं। ध्रुव धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। काफी आगे निकलने के बाद वो दीवार से टकरा गया। वो धीरे से बोला, ये क्या, कमरा तो खत्म हो गया और यहाँ कुछ नजर भी नहीं आया इन धुंध के अलावा। तभी उसने देखा कि धीरे धीरे करके वो धुंध छटने लगा था। ध्रुव जिस दीवार से टकराया था, असल में वो कोई दीवार नहीं थी बल्कि एक और दरवाजा था। जब धुंध पूरी तरीके से छटा, तब उसने देखा वो बड़ा सा हॉल था जिसमें कई सारे दरवाजे थे। ध्रुव धीरे से बोला, अभी विक्की होता तो कहता बाहर के सारे कमरे यहीं बनवा लिए क्या। लेकिन फिर उसने सोचा, यहाँ तो इतने सारे कमरे हैं, इन कमरों में क्या है, सभी कमरों में तो कुछ खास नहीं हो सकता। कंचन कह रही थी कि रूप की माँ की यादें हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ मुझे नेगेटिविटी महसूस हो रही है, ऐसा लगता तो नहीं है कि किसी की यादों के लिए ये जगह बनी हुई है, यहाँ कुछ और ही है। तभी उसने देखा एक दरवाजा इस तरीके का था जैसे बाहर वाला दरवाजा था, वैसे ही गोल धातु वाले हिस्से में लगा हुआ था। ध्रुव उस दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, गिरने की आवाज यहीं से आई थी। अगर इस हॉल में कुछ नहीं है तो जाहिर बात है इस कमरे में ही होगा, लेकिन सोचने की बात यह है कि यह दरवाजा तो बंद है, तो बाहर वाला दरवाजा कैसे खुला। अगर मैं ये भी मानूं कि जो भी गिरा था उसके गिरने से वो दरवाजा खुला था, तो ये क्यों नहीं खुला है। तभी ध्रुव ने देखा उस दरवाजे पर दोनों तरफ हाथ के पंजे बने हुए थे, जो बाहर वाले दरवाजे पर बिल्कुल नहीं था। ध्रुव ने बाकी दरवाजों को भी गौर से देखा तो इस तरह का कोई भी पंजे का निशान या कोई भी अलग निशान किसी दूसरे दरवाजे पर नहीं था। ध्रुव बोला, कंचन बता रही थी कि यहाँ सिर्फ महाराज ही आते हैं, तो ये हो सकता है कि पंजे का निशान एक तरह से चाबी की तरह काम करता है, किसी सेंसर की तरह। उनके हाथों के छाप से शायद ये दरवाजा खुलता है, लेकिन अब मैं कैसे उनके हाथों की छाप लेकर आऊं। इतना कहते हुए ध्रुव ने उस दरवाजे पर हाथ रखा और सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन ध्रुव ने जैसे ही अपना हाथ उस हाथ के निशान पर रखा, वो निशान चमकने लगा। ये देखकर ध्रुव को हैरानी हुई। उसने बड़ी तेजी से अपना हाथ दूसरे निशान पर भी रख दिया। ध्रुव के हाथ रखते ही वहां पर एक जोर की रोशनी हुई, जिससे कि ध्रुव की आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा दरवाजा खुला हुआ था। सामने एक आलीशान कमरा था जो बहुत खूबसूरत था। एक से एक महंगे पत्थरों से बनी हुई उस कमरे की चीजें उसकी शान और शौकत और बढ़ा रही थी। ध्रुव उस कमरे में गया और हैरानी से कहा, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी बना हुआ कमरा हो, और तो यहाँ पर कहीं कुछ नहीं है। तभी उसने महसूस किया जैसे उस जगह पर एक अजीब सी बदबू थी। ध्रुव ने अपने नाक पर हाथ रखा और बोला, ये किस तरह की बदबू है, ये कमरा इतना सुंदर है, इतना साफ सुथरा है, तो यहाँ पर बदबू कैसे आ सकती है, और ऊपर से जमीन से इतना ऊपर भी है ये फ्लोर, तो नीचे की भी कोई बदबू यहाँ तक नहीं आ सकती। इतना सोचते हुए ध्रुव ने उस कमरे की खिड़की को खोल दिया, जिससे कि वहां पर कुछ फ्रेश हवा आ सके। लेकिन ध्रुव ने जैसे ही खिड़की को खोला, वो हैरान हो गया। दूसरी तरफ फ्रेश हवा या रोशनी कुछ नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा था। ध्रुव बोला, अभी तो रात नहीं है, फिर ये इतना अंधेरा कैसे है। दूसरी तरफ उसने अपनी गर्दन को निकालकर बाहर झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे दूर दूर तक अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि नीचे की तरफ उसे कुछ नहीं दिख रहा था, जबकि नीचे की तरफ उसे दरबार, महल के बाकी लोग, बगीचे, सब कुछ नजर आना चाहिए था। और कुछ नहीं तो कम से कम रोशनी तो नजर आनी ही चाहिए थी। तभी उसकी नजर कमरे के बेड के नीचे गई। उसने देखा बेड जमीन से कुछ ऊपर उठा हुआ था और बेड के नीचे से एक कपड़े का टुकड़ा बाहर दिख रहा था। ध्रुव ने उसके नजदीक जाकर देखा तो वो बहुत ही रेशमी कपड़ा था, जिस पर बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई की गई थी। ध्रुव ने जब बेड के नीचे झांक कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। बेड के नीचे एक बक्सा था और वहां एक एक करके तीन बक्से रखे हुए थे, और वो कपड़ा उन्हीं में से एक बक्से के बाहर लटका हुआ था। ध्रुव ने तुरंत उस बक्से को बाहर की तरफ खींचा और एक झटके में उस बक्से को खोल दिया। बक्से को खोलते ही ध्रुव की आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। उस बक्से में एक कंकाल था। वो किसी औरत का कंकाल था जिसके ऊपर औरतों के कपड़े और गहने पहनाए गए थे, और वो सब कुछ इतने फ्रेश थे जैसे अभी अभी उन्हें ये कपड़े और गहने पहनाए गए हो। ध्रुव धीरे से बोला, अभी अभी तो महाराज ही यहाँ से गए हैं, इसका मतलब ये सब कुछ उन्होंने किया है, लेकिन क्यों, और ये कंकाल किसका है। इतना सोचते हुए उसने फुर्ती दिखाई और एक एक करके बाकी के दोनों बक्सों को भी बाहर खींच कर लाया। उन दोनों बक्सों में भी वैसे ही कंकाल थे। उनमें से एक में किसी आदमी का कंकाल था जिस पर आदमियों के कपड़े और गहने पहनाए गए थे, और दूसरा बक्सा भी किसी औरत का ही था जिसे भी बिल्कुल पहले वाले कंकाल की तरह ही सजाया गया था। ध्रुव धीरे से बोला, क्या पागलपन है, नहीं
ये कोई पागलपन नहीं है, ये कुछ और ही है। महाराज जितने सीधे बनते हैं यकीनन वो इतने सीधे हैं नहीं, और यही वजह है कि उन्होंने कभी किसी को इस तरफ भटकने तक नहीं दिया। और यहाँ से निकलने के बाद उनका घबराए रहना, परेशान रहना भी यही साबित करता है कि वो इन कंकालों के साथ समय बिताकर निकलते हैं, इस वजह से वो परेशान रहते हैं। लेकिन इन कंकालों के साथ उनका रिश्ता क्या है? इस तरह से कंकालों को तैयार करना, इस कमरे को इतना साफ सुथरा रखना, क्या मतलब निकलता है इन सब चीजों का? मुझे सबसे पहले मालूम करना होगा कि वो कंकाल आखिर है किसका, उसके बाद ही मैं किसी नतीजे पर पहुंच पाऊंगा। अभी ध्रुव इतना सोच ही रहा था कि किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। ध्रुव एक सेकंड के लिए तो पॉज हुआ, लेकिन फिर उसने जल्दी जल्दी उन कंकालों को बॉक्स में बंद किया और उन्हें बेड के नीचे खिसका कर कमरे से बाहर निकल आया। उसने गौर किया, दूसरी तरफ से कई सारी आवाज आ रही थी। ध्रुव ने ध्यान से सुना तो ये आवाज उसके दोस्तों की थी। ये सुनकर उसकी जान में जान आई। तभी फिर से दरवाजा खटखटाया गया और अनन्या की आवाज आई, ध्रुव क्या तुम अंदर हो? ध्रुव तुम अंदर हो तो प्लीज जवाब दो। ध्रुव ने तुरंत दरवाजे को खोला तो दूसरी तरफ अनन्या, तारा, विकी और रूप खड़े थे। उन लोगों ने जब ध्रुव को देखा तो हैरानी से बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूप घबरा कर बोली, तुम यहाँ जो भी कर रहे हो जल्दी यहाँ से बाहर निकलो, इससे पहले कि पापा को पता चले और प्रॉब्लम हो जाए। ध्रुव ने कहा, प्रॉब्लम तो होगी लेकिन मुझे नहीं, तुम्हारे पापा को। रूप बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? ध्रुव ने कहा, तुम लोग जल्दी मेरे साथ अंदर आओ। रूप ने कहा, नहीं मैं नहीं आ सकती, तुम्हें नहीं पता कि। रूप इतना बोली ही थी कि ध्रुव ने कहा, मैंने कहा ना अंदर आओ। ध्रुव ने अपनी बात में इतना जोर देकर कहा था कि रूप दोबारा मना नहीं कर पाई और बाकी सबके साथ भीतर की तरफ आ गई। ध्रुव ने एक बार फिर दरवाजा बंद कर दिया। उस जगह को देखकर रूप हैरानी से बोली, ये क्या है, यहाँ पर इतने सारे रूम बने हुए हैं। ध्रुव ने कहा, वो छोड़ो ये तो कॉमन सी बात है, ये बताओ तुम लोगों को कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? अनन्या ने कहा, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, कंचन को तुम्हें ढूंढने भेजा था ना, फिर तुम आए ही नहीं। तब हमने दोबारा कंचन से पूछा तो कंचन बोली कि उसने तुम्हें कहा था आने के लिए, फिर उसने बताया कि तुम इस दरवाजे के बारे में पूछ रहे थे, कहीं तुम उसमें तो नहीं चले गए। रूप बोली, तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर पापा के अलावा कोई और अगर गलती से भी आया तो क्या होता है? ध्रुव ने कहा, मुझे अब बहुत कुछ पता है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। रूप बोली, ऐसा क्या पता है तुम्हें? ध्रुव ने कहा, तुम्हारे पापा का सच। रूप हैरानी से बोली, कैसा सच? ध्रुव ने कहा, बताता हूँ। इतना कहकर वो उन लोगों को लेकर उस कमरे में चला गया। उस कमरे की सजावट और भव्यता देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ध्रुव ने तुरंत बिस्तर के नीचे से उन तीन बॉक्स को निकाला। विकी बोला, इसमें क्या है, कहीं कोई खजाना तो नहीं है? अच्छा अभी समझ में आया, इसीलिए तुम्हारे पापा यहाँ किसी को आने नहीं देते होंगे, बहुत चालाक है तुम्हारे पापा। इससे पहले कि रूप कुछ कहती या उनमें से किसी को कुछ समझ में आता, ध्रुव ने एक एक करके उन तीनों बॉक्स को खोल दिया और उन तीनों बक्से में मौजूद कंकाल को देखकर उनके होश उड़ चुके थे। रूप घबरा कर बोली, ये क्या है ध्रुव? ध्रुव ने कहा, ये तो तुम बताओगी या तुम्हारे पापा बताएंगे? रूप ने कहा, मुझे नहीं पता ये क्या है। ध्रुव बोला, यही वो वजह है जिस वजह से तुम्हारे पापा यहाँ से जाने के बाद भी परेशान रहते हैं और यहाँ किसी को आने नहीं देते हैं। रूप ने कहा, लेकिन ये कंकाल हैं किनके? ध्रुव बोला, फिलहाल ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द मालूम कर लूंगा। अभी ध्रुव इतना बोला ही था कि रूप की नजर उस औरत वाले कंकाल पर जाकर अटक गई। रूप धीरे से चलती हुई बक्से के पास गई और घुटनों के बल बैठकर उसे ध्यान से देखने लगी। विकी ने धीरे से तारा को कहा, ये ऐसे क्यों देख रही है? तारा ने कहा, क्या मालूम, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पहचान रही है कि ये कंकाल किसका है? उसके बाद तारा ने रूप से कहा, क्या बात है, तुम ऐसे क्या देख रही हो, क्या तुम जानती हो इसके बारे में कुछ? रूप इनकार करती हुई बोली, मैं कंकालों के बारे में तो कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं इस ब्रेसलेट के बारे में जानती हूँ। रूप ने उस कंकाल के हाथ में पड़े एक पतले से ब्रेसलेट की तरफ इशारा करते हुए कहा था। तारा ने पूछा, इसके बारे में तुम क्या जानती हो? रूप धीरे से बोली, ये ब्रेसलेट मेरी माँ का है। उसकी बात पर सब चौंक गए। ध्रुव ने चौंकते हुए कहा, तुम्हारी माँ? रूप इमोशनल होकर बोली, मुझे नहीं पता, मैं तो बस इस ब्रेसलेट को पहचानती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, मेरे जन्मदिन पर माँ ने मुझे ऐसा ही ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। दरअसल मुझे माँ का ये ब्रेसलेट बहुत पसंद था और क्योंकि ये मेरे माँ के पापा की आखिरी निशानी थी, वो इसे खुद से कभी अलग नहीं करती थी, लेकिन वो मेरा दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा ही ब्रेसलेट बनवा कर मुझे गिफ्ट किया था। तारा ने रूप के कंधे पर हाथ रखा और बोली, हौसले से काम लो और ये बताओ तुम्हारी माँ के साथ हुआ क्या था, क्योंकि हमें पता है तुम्हारी माँ की मौत हो चुकी है, तो अगर तुम्हारी माँ की मौत हो चुकी है तो उनका अंतिम संस्कार भी हो गया होगा, तो उनका कंकाल भला यहाँ कैसे हो सकता है? तुम ही सोचो ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इस ब्रेसलेट के बारे में कोई गलत फहमी हो? रूप भावुक होती हुई बोली,
कोई गलत फहमी नहीं है तारा, मेरे पास आज भी मेरा ब्रेसलेट रखा हुआ है। मैंने बहुत संभाल कर इसे रखा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस कंकाल के पास क्या कर रहा है। और ये कंकाल मेरी माँ का नहीं हो सकता। पापा ने मुझे जो कुछ भी बताया और मैंने जो कुछ भी देखा उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी कि ये मेरी माँ है।